नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूँ आपके लिए मैं पीसी ज्वेलर्स का अपडेट लेके, और साथ में लाइव में ही आपको बता रहा हूँ पीसी ज्वेलर्स के बारे में कि पीसी ज्वेलर्स में दोस्तों जिस प्रकार मैंने आपको अपडेट दिया था कि पीसी ज्वेलर्स की इसकी ओपनिंग ही 82 रुपये के लगभग होगी, तो एग्जैक्टली इसकी 82 रुपये की इसकी ओपनिंग हुई है। तो जिस प्रकार मैंने इसका कैलकुलेशन निकाला था, एनालिसिस की थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से लग रहा था कि 82 रुपये की इसकी ओपनिंग होने वाली है। और आपको मैंने कहा भी था उसी में कि वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, वो आपको 80 या 79 रुपये के लेवल से दिखा सकता है। इसने एक्जैक्टली 78.75 का इसने लो लगाया है, और आप वही जो यानी कि रिसर्च के सामने निकल के आया था, तो वही यहाँ पे होता है। और आपको ऊपर का फिर 82 रुपये टिकता है तो आपको 28 रुपये के लेवल से दिखा सकता है। तो अब यहाँ से पीछे जरूरत आपको 28 रुपये के लेवल से दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है कि 90% की यहाँ पे एक्यूरेसी निकल के आ रही है कि 28 रुपये के लेवल से यहाँ से दिखाना चाहिए। बाकी 10% दोस्त देखो कुछ भी हो सकता है, तो अपना दोस्त को रिस्क और अपना रिवार्ड रेशो दोस्तों आप खुद रखेंगे। बट मुझे यहाँ से जो मैं जिस प्रकार इसको पीछे जरूरत चार्ट को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना हुआ है। बट इसमें एक थोड़ा सा ये है कि 84.60 का जो ये हाई है, इसका जो हाई है 84.60 का, इसको एक बार ब्रेक करने के बाद में आपको ये 28 रुपये के लेवल से दिखाते हुआ नजर आएगा पीछे वाला। ठीक है, यहाँ पे अब मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर अभी तक इसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11 बजने वाले हैं लगभग, इसमें 3.25 करोड़ की वॉल्यूम हो चुकी है, 3.25 करोड़ की वॉल्यूम इसमें आ चुकी है। और अभी शेयर अभी 5% पे कारोबार कम कर रहा है, और परसेंटेज की बात करूँ 5.5% निकल के आ रही है, और 4.25 रुपये इसमें बढ़ोतरी के साथ काम कर रहा है। और इसमें जो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न से देख रहा हूँ, तो गजब का इसमें पैटर्न बना हुआ है। अभी इसमें वॉल्यूम के साथ भी पैटर्न अच्छा बना हुआ है, और RSI देख रहा हूँ दोस्तों, तो RSI इसमें अगर 15 मिनट में देखो तो RSI इसमें और बहुत हो चुकी है। ठीक है, और बहुत हो चुकी है इसमें RSI, और इसमें मैं वो देखूँ इसमें 1 मिनट वॉल्यूम देख लेता हूँ, एक बार वॉल्यूम क्या बोल रहा है इसका। तो वॉल्यूम पे मैं उसको देखना चाहूँगा कि वॉल्यूम इसमें एक पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो अभी आपके सामने वॉल्यूम का मैं एनालिसिस कर लेता हूँ। तो ये वॉल्यूम का मैंने यहाँ पे ये लगा लिया है वॉल्यूम का चार्ट, और यहाँ पे वॉल्यूम देख रहा हूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव वॉल्यूम नजर आई है। यहाँ पे आप देखो बिल्डिंगों की लाइन लगी है, ग्रीन बिल्डिंग यहाँ पे दिखाई देती हुई, और यहाँ पे जबरदस्त बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है, और आज भी इसमें पॉजिटिव संकेत है। सिर्फ आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पे देख लीजिए, आज 14 तारीख को सिर्फ 2 ही लाल कैंडल नज़र आ रही है, और बाकी सारी ग्रीन नज़र आ रही है। कहने का मतलब इसमें आज खरीदारी वो ज़्यादा हो रही है, कल इसमें 4.5 करोड़ की जो ट्रेडिंग हुई थी, तो अभी तो 11 बजे हैं, 3.25 करोड़ हो गया है। तो मुझे आज उम्मीद लग रही है कि इसमें 7 करोड़ के लगभग इसमें ट्रेडिंग हो सकती है, आज 7 करोड़ के लगभग इसमें ट्रेडिंग हो सकती है, क्योंकि 11 बजे हैं अभी, 3.25 करोड़ हो गया, तो अभी तो काफ़ी टाइम है अपने पास, 4.5 घंटे हैं, तो हो सकता है इसमें 7 करोड़ के लगभग इसमें ट्रेडिंग होगी। तो ये शेयर आज को 88, और आज आपकी जो मैंने फाइनल टारगेट रखा था 95 का शॉर्ट टर्म में टारगेट रखा था, जो तो मैंने एक महीने का एनालिसिस करके रखा था 95 का टारगेट, तो आज वो आपको आज ही दिखा दे, हो सकता है आज ही दिखा दे वो। ठीक है, तो इस प्रकार अपन जो रिसर्च करते हैं दोस्तों, वो अपने एक 90% एक्यूरेसी के साथ निकल करते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन निकल के आ रहा है दोस्तों। आज अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, तो एक बार मैं आपको इंट्राडे का जो लिहाज से जो मालूम कोई अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, एक बार 88 का, जैसे 88 का आपको देखने को मिले, तो एक बार अपना प्रॉफिट बुकिंग करना ना भूले, क्योंकि इसमें 88-90 के बाद में थोड़ा सा इसमें 2-3 रुपये का वापस, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट ये 88 के बाद में अगर इसकी जो अपर सर्किट आसपास रहेगी, अभी अपर सर्किट इसकी मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पे है, अपर सर्किट इसकी अभी 83 पॉइंट उसकी दिखा रहा है, तो वो तो तोड़ चुका है ये, यहाँ पे देख लिया अपर सर्किट 83.15 है, तो इसने 84.60 की अपर सर्किट लगा दी है, और नई अपर सर्किट इसने ऊपर ही चल रहा है, तो नई अपर सर्किट लगभग यहाँ पे जो निकल के आ रही है वो लगभग 86 रुपये के समथिंग निकल के आ रही है। जैसे ये 86 रुपये का अपर सर्किट तोड़ेगा तो आपको 88 रुपये का लेवल्स दिखाने के लिए तैयार है, अभी यहाँ से भी 88 रुपये का लेवल्स दिखाने के लिए तैयार है। बट इसमें थोड़ा सा अभी एक और 84.60 का ये जो हाई है इसको ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो बीच में जो अड़चन डाल रही है, जो इसके बगल में जो लाल कैंडल आपको दिख रही होगी, इस कैंडल ने यहाँ पे क्या सपोर्ट ले रखा है, तो इस कैंडल को ब्रेक करना जरूरी है। इस कैंडल के पास में इसका जो हाई है, इसका हाई है जो 84.60 का हाई है, इसको ब्रेक करना आवश्यक है। इसको जैसे ब्रेक होगा तो मार्केट तेज गति से बढ़ता हुआ आपको ये 86 के जो ऊपर सर्किट इसको तोड़ता हुआ 88 रुपये का लेवल्स आपको दिखा सकता है। उसके बाद अपन बात करें 95 का जो लेवल मैंने शॉर्ट टर्म का जो रखा था, यानी एक महीने का एनालिसिस करके मैंने रखा था, वो आपको 95 का टारगेट भी दिखा सकता है पीसी ज्वेलर्स, क्योंकि पीसी ज्वेलर्स रफ्तार के बारे में आप जानते हो, पीसी ज्वेलर्स रफ्तार जिस तरीके से मैं तेज गति से बोल रहा हूँ, उससे भी तेज गति से पीसी ज्वेलर्स रफ्तार चलती है, और इसकी रफ्तार को पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि अपने जो बोलने की शक्ति है वो तो अपने कितनी पूरी दमखम लगा के बोलते हैं, पीछे जोड़ की जो रफ्तार है वो इतना पूरा दमखम लगा के चलता है, तो फिर इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर चलता है ना, तो फिर 83, 85, 86, 87, 88 और ये फिर 95 आपको 100 रुपये के लेवल से भी दिखा सकता है। क्योंकि अगर मैं पहले ही बात कर रहा था पीछे जोड़ अगर 120 रुपये को क्रॉस कर जाता है, फिर आपकी जो रफ्तार रहेगी दोस्तों वो फिर अपर सर्किट की लाइन लगा सकता है, फिर 8-8, 10-10 अपर सर्किट की लाइन लगा देता है। ठीक है, अभी अगर बात करें अब सुबह से इसने अपर सर्किट तोड़ के कायम है, अपर सर्किट तोड़ चुका है 83.15 के, यहाँ पर देख लीजिए अपर सर्किट तोड़ के बना हुआ है, और अभी इसमें अपर सर्किट है जो 86 रुपये के अपर सर्किट तोड़
तोड़ के फिर उसके बाद में 88 रुपये निकल सकता है, उसके बाद 90% तोड़ के 95 रुपये निकल सकता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा तो बड़ाई वाली बात तो करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल मुझे दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट अब 28 रुपये का सबसे पहले 28 रुपये का फोकस डालेंगे अपन। 28 रुपये का जो अपना टारगेट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अपना जो टारगेट था 20 रुपये का वो तो अपना क्लियर हो चुका है, और 20 को छोड़ के यहाँ पे 85 रुपये तक का यहाँ पे लेवल दिखा चुका है। लेकिन अभी यहाँ पे 3 रुपये से टारगेट बचा हुआ है, तो 28 रुपये का सबसे पहले फोकस रहेगा। लेकिन आपको आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस की भी जरूरत पड़ेगी, तो स्टॉप लॉस आपको मैं यहाँ बता दूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आ रहा है अभी फिलहाल। जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 80 रुपये का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, ठीक है। तो 80 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ अभी आप यहाँ बन सकते हो। अगर 80 रुपये को ब्रेक करता है तो मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे संभावना मुझे कम लग रही है कि 80 रुपये के तोड़ पाएगा। तो यहाँ पे संभावना ये लग रही है कि यहाँ पे 84 पॉइंट ये 60 को ब्रेक करने के बाद में आपको 28 रुपये के लेवल से दिखा सकता हूँ। ओके दोस्तों, वीडियो करता हूँ ये एंड। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे दोस्तों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। और मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दिन बंधन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन अपडेट पीछे ज्वेलर्स यस बैंक आदि अदर स्टॉक जो वोलेटाइल स्टॉक उनके बारे में ज़्यादा लेके आता हूँ, तो आपको फटाफट न्यूज़ मिले और आप उनमें अपना पोजीशन बना सके और अपना प्रॉफिट कमा सके। दोस्तों फिर भी लास्ट में सलाह रहेगी कि अपना जो प्रॉफिट यहाँ से कहने वाला पैसा यहाँ पर लगाने से पहले आप अपना डिसीजन और अपना एडवाइस सलाह लेना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।